ये है पटना गंज के मूल नायक जो कि अभी आदिनाथ भगवान, जो अभी टीन सेट के नीचे हैं, लेकिन आगे जाके ये नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। उसके पश्चात आपको अनेक हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाओं का भी आपको दर्शन होंगे पटना गंज के। अब आपको दर्शन कराते हैं एक से एक मनोहर प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाएं। देखिए ये प्राचीन प्रतिमाएं जो कि आज तक आपने कभी भी ऐसे दर्शन नहीं किए होंगे। इतनी प्राचीन प्रतिमाएं देखिए, भगवान पार्श्वनाथ की अति प्राचीन प्रतिमाएं, ये पटना गंज का भव्य मंदिर, और एक से एक प्राचीन प्रतिमा का दर्शन आपको साक्षात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे और मनोहर प्रतिमाएं आपको और देखने को मिलेंगी। देखिए ये पार्श्वनाथ भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य, ये पार्श्वनाथ भगवान की चौबीसी, ये देखिए एक स्तंभ के अंदर अनेकों प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये देखिए कितनी प्राचीन प्रतिमाएं, आज तक हमने इनका दर्शन कभी नहीं किया होगा। ये देखिए जो प्राचीनता स्वयं झलक रही है, जो प्राचीनता होती है वह स्वयं झलकती है, और जो प्राचीनता नहीं होती जिसमें, वह भी स्वयं झलकती हैं। एक से एक प्राचीन प्रतिमाओं के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य आज हमको प्राप्त हो रहा है। आप भी ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन कीजिए। ये भरत, बाहुबली और आदिनाथ भगवान, उसके बाद देखिए अन्य और प्राचीन प्रतिमाएं। जैसे देवगढ़ में अति प्राचीन प्रतिमाएं होती देखी गई हैं, वैसे ही यहाँ पटनागंज में एक से एक प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करें। और ये पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर अभी आपको दिखाया था। लगा हुआ है और यहाँ पर चलते और प्राचीन प्रतिमाओं के और दर्शन देखिए, जो कि आज तक हमने ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन नहीं किए होंगे। इससे ऊपर ले चलते हैं आपको एक प्रतिमा जी का और दर्शन, जो कि जिनका पूरा फन ही फन दिखाई दे रहे हैं, आज तक कभी ऐसे दर्शन नहीं किए होंगे। नंदीश्वर दीप तो बहुत देखोगे,
इतने प्राचीन नंदीश दीप उनमें प्रतिमाएं पंचमेरु नंदीश दीप और उसमें अति प्राचीन और प्रतिमाएं चलो भैया नहीं तो पन लोग लेट होंगे।